कटिहार के मनिहारी प्रखंड के बोलिया पंचायत में 13 फरवरी को एक विशाल जलसे का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सांसद तारिक अनवर ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और सभी लोग जो आए हैं और सबसे ज्यादा जो आलिम हजरात आए हैं जिनकी तकरीर आप लोग सुनेंगे थोड़ी देर के बाद, जो हमें आज जो हालात है उस पर अपनी रोशनी डालेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि आज इस अजीम शान जलसे में हम सब लोग शरीक हुए हैं। बोलिया के तमाम बुजुर्गों का और मनिहारी के अलग अलग पंचायतों से आए हुए तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस अजीम शान जलसे में आपने हम सब लोगों को दावत दी और हमें भी कुछ कहने का मौका दिया। ऐसे होते हैं सही रास्ता दिखाने के लिए होते हैं, हम अपने रास्ते से न भटके और सही तरीके से अपनी जिंदगी अपने अमलो माल को सही ढंग से लेकर चले, यही हमारी कोशिश होती है। मुझे मैं इस बात से पूरी तरह अपने आप को जोड़ने की कोशिश करता। इस जलसे में लाखों लोग शामिल हुए। इस जलसे में देश के कई नामी गिरामी मौलानाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें झारखंड के मौलाना अब्दुल कलाम चतुर्वेदी, उत्तर प्रदेश से सूफिया प्रताप गरी साहब अदनान प्रताप गरी, कोलकाता से मोहम्मद सुहराब अली साहब और आचार्य प्रमोद कृष्ण प्रमुख थे। पैगाम ये चार मिसरों में छिपा है तो एक बार जोरदार तालियां इनके स्वागत में होनी चाहिए कि मुसलमानों को तू करना सिखा दूंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत दुआएं और बहुत मोहब्बतें। इंशाल्लाह अभी जो है ईशा के बाद एक महफिल सजेगी जलसे की, उसके बाद आप सब इंशाल्लाह यहाँ पर तशरीफ रखें तब तक और हमारे इन अजीज नेताओं को सुने और इनसे कुछ सबक सीखें। इन सभी मौलानाओं ने अपनी तकरीर में सिर्फ लोगों को अच्छी बातें बताई और बुरी बातों से दूर रहने का संदेश भी दिया। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए आयोजन कमेटी सहित कई जनप्रतिनिधि ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज हुआ युवा ने काफी जद्दोजहद किया था और इसको सफल बना रहे हैं, क्या कहना था? हम जलसे के माध्यम से पूरे देशवासियों को भाईचारा दोस्ती का संदेश देना चाहते हैं। हमारे जो हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब है उसी को आगे बढ़ाने के लिए आज एक जलसा का इस्लाही जलसा का आयोजन किया गया है। इसका सिर्फ मकसद यही है कि हम लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहें और एक दूसरे का मददगार रहें, ये हम लोग का असल मकसद है। इसी के लिए हम लोग जलसा का आयोजन कौन कौन शिरकत किए थे सर इसमें कौन कौन इसमें शिरकत किए थे किस तरह? इसमें हमारे तारिक साहब पूर्व सांसद जी और हमारे कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुहराब अली कलकत्ता के मौलाना साहब और चतुर्वेदी अब्दुल कलाम साहब और दीगर उलमा किराम इसमें तस्वीरें ला रहे हैं और इसमें खासकर हमारे प्रताप भाई जो है उसको हम लोग उसका दावत बहुत अच्छा आवाज़ सुनने के लिए उसको हम दावा दिए हैं, वो भी आ चुके हैं और फिलहाल हमारे जो सांसद जी हैं
हमारे तारिक साहब इस जलसा को उद्घाटन करने के लिए आए थे, जो लोग यहाँ से अब वो विदा हो रहे हैं और अब इसके बाद ईशा के नमाज के बाद हमारे उल्लामा किराम का वाज होगा, जिसमें सिर्फ इस्लाही जलसा होगा और इस्लाही जलसा के लिए ही हम लोग एक अच्छा रेस्टोरेंट कैसा होना चाहिए, जहां खाना स्वादिष्ट हो, प्राइस कम हो और बेहतर साफ सफाई भी हो, क्यों है ना? अगर आपको चाहिए ऐसा ही रेस्टोरेंट तो नमस्ते कटिहार आपका स्वागत करता है। चाहे तंदूरी खाने का सवाल हो या मॉकटेल का, हर चीज में है मास्टरी हासिल। ऐसा रेस्टोरेंट ना कहीं देखा और ना ही कहीं सुना। नमस्ते कटिहार, सबका चहिता, बैंक्वेट हॉल और पार्किंग की सुविधा के साथ।